क्या बिहार में लालू करने वाले हैं बड़ा खेला? क्या बिहार में फिर से दोहराई जाएगी पुरानी राजनीति? बिहार की सियासत इन दिनों लगातार चर्चाओं में है। बता दें कि आए दिन मुख्यमंत्री को लेकर बयान आते रहते हैं। मुख्यमंत्री भी ये कई बार कहा है कि अब मेरे बाद तेजस्वी ही हैं जो कार्यभार संभालेंगे। ऐसे में 2025 विधानसभा के चुनाव की चर्चा तेज हो गई है और अचानक इस बात की भी चर्चा होने लगी है कि क्या राबड़ी देवी की तरह ही राजश्री अब बिहार की मुख्यमंत्री बनेगी। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आपको बता दें कि इसका दावा बीजेपी के एक विधायक ने किया है। तो चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल बिहार की राजनीति अक्सर चर्चाओं में रहती है। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसको लेकर बिहार में कयासों का बाजार गर्म है। वैसे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार कह चुके हैं कि उनके बाद तेजस्वी ही उनका कार्यभार संभालेंगे, लेकिन इसी बीच बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने बड़ा दावा किया है और इसके लिए उन्होंने LR फैक्टर का उदाहरण भी दिया है। अब सवाल उठता है कि ये LR फैक्टर क्या है। तो बीजेपी विधायक ने ये दावा किया है कि जिस तरह लालू के बाद राबड़ी ने बिहार राज्य को चलाया था, उसी प्रकार जब से CBI ED का छापा तेजस्वी पर पड़ा है, तो अब तेजस्वी के बाद राजश्री बिहार का कार्यभार संभाल लेगी। तब लालू यादव चारा घोटाले में जेल गए थे, तब उन्होंने राबड़ी को बिहार का CM बनाया था। अब जब तेजस्वी जेल जाएंगे, तब नीतीश को हटाकर राजश्री को बिहार की मुख्यमंत्री बना सकते हैं। पवन जायसवाल ने यह भी दावा किया कि इसके लिए पूरी प्लानिंग भी हो गई है। तभी तो जब CBI के द्वारा 3 बार समन जारी करने के बावजूद भी तेजस्वी नहीं गए, कोई ना कोई बहाना बनाते रहे। बीजेपी विधायक ने कहा कि रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने का मामला बहुत गंभीर है, इससे तेजस्वी जेल जा सकते हैं। वहीं अब इस पूरे मामले में RJD के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने भी बीजेपी पर खूब हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बौखला गए हैं। उनको डर है कि कहीं बिहार में उनका खात्मा तो नहीं हो जाए, उनको हार का सामना न करना पड़ जाए, इसी वजह से वो ऊट पटांग कुछ भी बोल रहे हैं। बता दें कि हाल के दिनों में RJD नेताओं द्वारा तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर लगातार बयान आ रहा था। कहा तो ये भी जा रहा था कि होली के बाद तेजस्वी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी जाएगी, लेकिन उसके बाद से ही CBI, ED, IT की रेट पड़ने के बाद अब इस पर बयानबाजी शांत हो गई है। अब बीजेपी के इस नया बयानबाजी से बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। तो क्या बिहार में एक बार फिर से LR फैक्टर दोहराया जाएगा? आपको इस पर क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।